तो ये थी हवा महल पूरा, एंड वो है सामने वो कैफे विंड व्यू कैफे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इज डे टू और अभी जयपुर में हम हैं और लाइट चली गई है। तो अपना क्या होता है आज का वाला सिंपल सी इटनरी है। आज हम यहाँ से 2 से 3 फॉट कवर करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। बट उससे पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, तो अभी तो हम जाने लगे यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए। आफ्टर दैट अपन क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि आज कौन से 2 से 3 फॉट कवर करने हैं हमें। तो जो मेरा मेन बेसिक है वो मुझे लग रहा है कि कैसे हवा महल हो गया एंड अजमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ का फोर्ट सनसेट बहुत जबरदस्त है, तो नाहरगढ़ का सनसेट देखने जाएंगे आज या कल में प्लान करके। उससे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। जस्ट अभी चाय पूरी भाजी खा के हमने फिनिश कर दिया एंड ना अभी हम प्लानिंग कर देंगे अभी कहाँ आज का रूट है, लोकल साइकिल या फिर बाहर के जो स्पॉट्स हैं कवर करते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कौन सा प्लान अभी करते हैं। सबसे पहले स्टाय को ख़त्म करते हैं। सो फाइनली अपन रेडी हो चुके हैं अपना घूमने फिरने के लिए और अपन बाइक पे नहीं जा रहे इस टाइम पे, क्योंकि लोकल अपना क्या होता है उसको कॉम्बिंग करनी है हमने। तो इसलिए अभी हम सोच रहे हैं कि बाहर से लेंगे एक टैक्सी और उसमें जो कहते हैं आज का इर्द गिर्द का जो भी है 4 to 5 आवर लगते हैं घूमने में, तो वो घूम लेंगे आज एंड देन कल के लिए हम बड़ी कॉम्बिंग करेंगे जो है बड़े बड़े फोर्ट। सो ये है आज का आउटफिट। सो दिस इज रॉयल सीएम रिसोर्ट। तो नाउ अभी चलते हैं अपन। कहाँ जा रहे हैं भाई ऋषभ भाई, कुछ तो बताओ यार हमें, ऐसे कैसे क्या है, कुछ बता के जाओ हमें आज कहाँ। पागल होने जा रहे हैं, गर्मी बहुत है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टेम्परेचर आई थिंक सो 37 या 38 के नियरबाय है एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा हवा महल जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन आने वाली है। बाकी हम एक कैब को ढूंढ के उसके बाद फाइनल करेंगे कि क्या करना है। सो फाइनली अपन सबसे पहला जो अपना काम है वो है हवा महल का एंड हवा महल की टिकट है ये लिखी हुई है सामने, भारतीय टिकट 52 स्टूडेंट 22 इंडियन चाइल्ड। तो इस सबसे टिकट का है भाई, टिकट दिखा मेरे को सबसे पहले। सो ये अपनी टिकट और ये अंदर बिना टिकट के घुसने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया बंदा। चल भाई जेल चल जेल चल। ये है हवा महल की पूरी हिस्ट्री, ये अपने आप पढ़ लेना क्योंकि हम नहीं पढ़ा सकते। तो अभी आगे चलते हैं अंदर हवा महल की ओर। तो यहाँ से एंट्रेंस टिकट दिखानी जरूरी है अंदर एंट्रेंस। तो मैंने हवा महल में एंट्री हो चुकी है अपनी और ये यहाँ से हवा महल की ब्यूटीफुल लोकेशन। राइट नाउ अभी हम हैं कौन सा महल है, मैं तो महल ही बोल रहा था, हवा महल में एंड यू लुक एट दिस आर्किटेक्चर, इट्स ब्यूटीफुल अमेजिंग। एंड वहाँ से अपना बोलते हैं एंट्री पॉइंट है वो अपना एंड अभी ये 10-15 मिनट में फिनिश करके हम यहाँ से चलेंगे एक आपको एक खूबसूरत जगह दिखाने के लिए, मतलब हवा महल की एक और लोकेशन है जहाँ से आप हवा महल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो वो जगह आपको जो दिखाएंगे तो पहले उससे पहले हवा महल का पूरा दर्शन कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी हवा महल पूरा एंड वो है सामने वो कैफे विंड व्यू कैफे, जहाँ से आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो प्रॉपर तरीके से बनाई हुई शूट की भी विद द हवा महल। एंड नाउ अब उस पार्ट पे चलते हैं जहाँ से हवा महल की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त दिखती है। सो वहाँ पे जाएंगे, हवा महल के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं आपको क्योंकि विकीपीडिया में आजकल सब कुछ लिखा ही हुआ है। सो दैट्स व्हाई अब सीधा चलते हैं कहाँ पर, टूरिस्ट स्पॉट विंड व्यू कैफे में। नाउ डेस्टिनेशन इज द सिटी पैलेस। तो ये है उसकी टिकट एंड टिकट की कॉस्ट है 600 rupees फॉर 2 days और सॉरी 2 persons। तो ये है सिटी पैलेस। ये हमें है द सिटी पैलेस जयपुर। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता, बट ये सवाई मानसिंह 2 cast क्यों पैलेस। एंड ये है अपनी एंट्रेंस अम्बल पोल
अभी जस्ट घूम फिर के अपना दो चीजें कवर किया था मैंने, द सिटी पैलेस एंड द हवा महल। तो होटल की सीढ़ी खराब, ओह सॉरी लिफ्ट खराब है तो सीढ़ी से जाने। तो आज सब एक और जगह कवर करेंगे अपनी, जो है नाहर फोर्ट ऑन दी दैट्स प्लेस जिसको आज हम कवर करेंगे। तो आधा घंटा करते हैं रेस्ट, तब निकलते हैं सीधा नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। 15 मिनट नैप लेने के बाद नाउ ये अपना आ चुका है थोड़ा सा अपना पेट पूजा के लिए, एंड देन वी विल लीव फॉर नाहरगढ़ फोर्ट जो है आज की हमारी आखिरी डेस्टिनेशन। देन आफ्टर दैट वी विल स्लीप थोड़े फास्ट क्योंकि अभी जयपुर भी जाना, सॉरी जयपुर नहीं हवा महल वापस भी जाना, क्योंकि रात को उसका जो दृश्य होता है नज़ारा बहुत जबरदस्त होता है। सो दैट्स इसको करता हूं मैं फटाफट से फिनिश, देन वी विल गो फॉर नाहरगढ़ फोर्ट। सो फार सो गुड। सो फाइनली वी आर अगेन रेडी टू नाहरगढ़ फोर्ट। तो इस बार हम जा रहे हैं बाइक पे, सो एक ही बाइक पे सोच रहे हैं कि जाने का, बाकी जल्दी जल्दी कुछ कवर हो गया और वापस आ जाए। सो लेट्स गो, चलते हैं अभी नाहरगढ़ फोर्ट की और फिर बात करते हैं आपसे ऑन द वे। सो फाइनली हम नाहरगढ़ फोर्ट की ओर चढ़ाई की ओर चढ़ चुके हैं। अब हमें नहीं पता ये गलत चढ़ाई की है कि नहीं की है, पर हम बाइक लेकर चढ़ चुके हैं एंड आप भगवान ही जानता नाहरगढ़ फोर्ट की पे हमने चढ़ाई शुरू कर दी है और अब तो जंग जीत के ही वापस आएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट में अपन एंटर कर चुके हैं। नाहरगढ़ फोर्ट की फीस है 52 रुपीज फॉर वन पर्सन और ये था एंट्रेंस यहाँ से। एंड नाउ यहाँ से हम सीधा जाएंगे आगे की ओर और आपको कुछ खूबसूरत से व्यू दिखाते हैं। चलो डन विद द नाहरगढ़ फोर्ट, अ ब्यूटीफुल अमेजिंग यहाँ का जो मतलब कहते हैं ना सनसेट हमने कैप्चर किया है। एंड नाउ वी आर लिविंग दिस नाहरगढ़ फोर्ट एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ जा रहे हैं भाई, हवा महल। एंड ये अभी पार्किंग लेके निकलते हैं नीचे चलेंगे हवा महल की ओर। और रास्ता तो देखो पूरा का पूरा सुनसान हो रखा हुआ है, बट नाउ अभी तो फोकस करना पड़ेगा यहीं पर क्योंकि नीचे जा रहा है अभी। सो फाइनली डन विद द ऑल डे एंड नाहरगढ़ फोर्ट खत्म हुआ और उसके बाद हमने एक हवा महल के लिए एक बहुत अच्छा सा मतलब कहते हैं ना शूट निकाला। एंड आफ्टर दैट अभी हम निकले हैं होटल से सीधा आइसक्रीम खाने को, एंड आइसक्रीम खाने के बाद सीधा जाएंगे और सो जाएंगे, दिस इज लास्ट। तो अभी एक काम करते हैं सीधा मिलते हैं आपको होटल रूम में। सो राइट नाउ 10:47 इन द नाइट, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। एंड कल हम घूमने जाएंगे मॉर्निंग में 3 फोर्ट जो हमारे मेजर कवर करने वाले हैं, जयगढ़ फोर्ट, जल महल एंड तीसरा कौन था भाई, आमेर फोर्ट। तो कल की डेस्टिनेशन हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं और सब्सक्राइब करो, एंड यू ऑलवेज नो सुकरान अलविदा मासल मैट, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माई लवली फ्रेंड्स। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।